We are presenting to you Infinix Hot 11 2022. So दोस्तों, ये है फोन का बॉक्स और हमारे पास है इसका 4GB RAM and 64GB ROM वाला वेरिएंट। यार सही बताऊं ना, बॉक्स देखने में तो काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। मोबाइल कितना प्रीमियम है ये तो हमें देखने के बाद और यूज करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से देख ही लेते ना। सो देवियों और सज्जनों, बॉक्स के अंदर आपको सबसे ऊपर मिलेगा ये फोन, जिसका हमारे पास पोलर ब्लैक कलर है। आपको इसमें सनसेट गोल्ड एंड अरोरा ग्रीन में भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड नीचे ये कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे 10 वॉट का चार्जर है, टाइप सी केबल है एंड एक्स क्लब का कार्ड है और सबसे जरूरी चीज, एक स्मार्टफोन केस भी है। फोन पर मूव करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो है 8,999 रुपए। सो दोस्तों, फोन को ना हाथ पकड़ने में काफी प्रीमियम फील दे रहा है यार, क्योंकि इसमें है फ्लैट डिजाइन। इसके साथ में आपको फ्रंट में पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, फोन के बैक में स्मूथ एंड ग्लॉसी फिनिश है और ये दोनों ही एंड से हल्का सा कर्व्ड है। लेकिन पता है दोस्तों, बैक साइड में ना डस्ट जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है एंड अगर आप ना बिना कवर के यूज करोगे तो इसमें उंगलियों के निशान भी आ जाते हैं। इसमें एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है एंड एक बात बताऊं, मुझे इस बार कैमरा लेंस का साइज ना काफी बड़ा दिख रहा है। सो फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड 10,000 के अंदर यार ये फीचर्स तो बहुत सारे हैं। सो दोस्तों, ब्राइटनेस इस फोन में 550 निट्स है। फ्लैशलाइट, दोस्तों फ्लैशलाइट कंसिडरेबल है, आपकी फोटोज के लिए सही है। डिस्प्ले 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, आप एक्चुअल में वीडियोस देखते हुए या गेमिंग करते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको बेजल्स कम दिख रहे होंगे क्योंकि इस फोन में है 89.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि अगेन इस प्राइस पॉइंट पर मुझे काफी तगड़ा लगा। कलर्स फोन में ब्राइट है एंड पॉप होकर आ रहे हैं, जो कि मुझे पसंद आया। UI की बात करते हैं दोस्तों, मोबाइल को बूट करने के बाद जो चीज मैंने सबसे पहले नोटिस की पता है क्या, वो है इसका UI, जो कि हद से ज्यादा क्लीन है यार। एंड इसके स्वाइप जेस्टर भी बहुत ही स्मूथ है। सेटिंग में भी आपको लिमिट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। दोस्तों फिंगरप्रिंट इस फोन में रियली फास्ट है एंड इसको कंटिन्यूसली यूज करने पर भी कोई लैग देखने को नहीं मिला। साइड माउंटेड होने के कारण आपकी फिंगर थंब से ज्यादा बेटर वर्क करेगी। कैमरा, दोस्तों मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन के कैमरा को टेस्ट करने के लिए, तो टेस्टिंग शुरू कर ले। सो इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, बट कैमरा के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी यार ठीक ठाक सा था। आपको डे लाइट में काफी शार्प पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंडोर या लो लाइट कंडीशन में मुझे ना ऑटो फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो आप मैनुअल मोड यूज करके ठीक कर सकते हो। इनके मैनुअल मोड में यार रियली कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, लाइक शटर, ISO, एक्सपोजर एंड मैनुअल मोड की पिक्चर्स भी मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी। HDR के रिजल्ट्स भी काफी एक्यूरेट हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। मैंने इसके अदर मोड जैसे कि पोर्ट्रेट मोड भी ट्राई किया है, जहां पर आप F16 से लेके F0.95 तक का ब्लर देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, एंड F4 या 5 तक आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छा मिलता है, लेकिन उससे नीचे ब्लर इफेक्ट बिल्कुल अननेचुरल लग रहा है। अब बस्ट मोड 30 तक फोटोज एक साथ खींच सकता है एंड मैंने इसका यूज किया तो रिजल्ट्स सही थे। जो फिल्टर्स इस कैमरे में दिए गए हैं, उनमें फोटोज लेने पर भी आप फोटोज को इनहेंस कर सकते हो। वीडियो, दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर इज क्वाइट गुड, आपको सिर्फ 30 FPS का ऑप्शन इसमें मिलता है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी जो है ना इस फोन के प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। एंड अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में हो तो स्लो मोशन भी यार तगड़ा निकल सकता है। एंड टिकटॉक यूज कर रहे हो तो भैया हो जाएगा आपका काम और क्या, है ना? अगर आपकी वीडियो शेकी है तो यहीं से आप उसको एडिट करके गूगल का स्टेबलाइजेशन फीचर यूज कर सकते हो एंड उसके भी रिजल्ट्स काफी सही हैं और क्या। परफॉर्मेंस, इस फोन में यूनिशॉक T610 प्रोसेसर है, विच इज 12 नैनोमीटर, जो कि बैटरी के लिए तो ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन ये गेमिंग के लिए इतना तगड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, कहने से क्या होता है यार, हम आपको रियल में टेस्ट करके दिखाते हैं ना, तब तो आपको समझ में आएगा। सो मैंने इस पर खेला आपका फेवरेट गेम PUBG। इन्हें खेलने पर ना नॉर्मल ग्राफिक्स पर तो मुझे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला एंड कोई लैग भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाई ग्राफिक्स पर खेलना आप नहीं यार, इससे एक्सपेक्ट मत करो यार, समझो ना, इसकी कैपेसिटी भी समझो यार। बैटरी कैपेसिटी इस फोन में 5000 mAh है एंड मेरे केस में एक दिन तो यार पूरा चली जाएगा। एंड चार्जिंग की बात करें तो आपको 10 वॉट चार्जिंग इसमें मिलती है, जो कि 2 घंटे में आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। साउंड, दोस्तों साउंड इस प्राइस पॉइंट में यार
इम्प्रेसिव है यार, अच्छा है और क्या। लाउडनेस काफी लगती है, लेकिन फुल वॉल्यूम पर हल्का हल्का सा डिस्टॉर्शन मुझे देखने को मिला है। एंड दोस्तों एक और खास बात बोलूं, जब भी आप फोटो क्लिक करते हो तो ये कैमरा शटर का साउंड निकालता है, जो कि सुनने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। स्पेशल फीचर स्मार्ट कंट्रोल्स। अच्छा दोस्तों, सेटिंग में ना मुझे एक बहुत ही कूल फीचर मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट कंट्रोल्स, यस, जिससे आप कुछ जेस्चर्स जैसे कि फोन पे करने पर नोटिफिकेशन शो करना एंड कॉल आने पर अगर आप फोन पे कर लें तो वॉल्यूम लो हो जाए। ये फीचर्स रियली काफी यूजफुल है। साथ ही इसमें एक पॉकेट मोड भी है, जो कि पॉकेट फोन में होने पर रॉन्ग यूज से बचा सके उसे। सो दोस्तों, अब मैं आपको मेरे फाइनल रिव्यूज इस फोन के बारे में देना चाहता हूँ। सो मुद्दे की बात ये, देखो दोस्तों, ये फोन जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये एक ऑसम लुकिंग फोन है। रियली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ये फोन अपने फ्रेंड्स के बीच में लेकर जाओगे ना, तो किसी फ्लैगशिप फोन से कम नहीं दिखेगा। बेस्ट थिंग इज कि अगर आप फालतू के एड्स एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्स से बचना चाहते हो, उस केस में भी ये फोन बेस्ट है। एंड ओवरऑल सभी फीचर्स देखे ना, तो यार ये फोन वर्थ बाइंग है। रियली विद दैट सेड, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी लौटेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन, पीस आउट।